मैं इसको गर्म होने के लिए दे देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। तो आज एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, उम्मीद है कि आप सबका पसंद आएगा। तो आज मैं कुछ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो आज मैं सरफराज को खाना है मिठाई, तो रात को मुझे बोल रहा था कि मुझे मिठाई खाना है, तो आज मैं मिठाई बनाऊँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। आप लोग भी मतलब इजी तरीके से बना सकते, ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं है, खाली 2 इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, तो उसी से बना सकते हैं। तो आज मैं वही वाला रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में, तो अभी चलिए पहले किचन में जाके किचन का जो हाल है देखते हैं कैसा है। तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अभी मैं बनाऊँगी मिठाई। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ, मिठाई बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो भी मैं निकल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ले लिया हूँ एक पैन और यहाँ पे एक गिलास दूध लिया हूँ, गाय का दूध लिया हूँ, आप भैंस का भी ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं डाल दिया हूँ, अभी देखिए यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई है, तो यहाँ पे देखिए बॉईल आ रहा है, तो इसी टाइम में चम्मच से हिलाना है। चम्मच से हिलाएंगे नहीं तो वो फिर मलाई जम जाएगा ऊपर और जो मिठाई है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 कप चीनी डाल दिया हूँ मैं, अच्छे से अभी चीनी को मेल्ट होना है, उसके बाद डालेंगे हम लोग यहाँ पे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे देखिए 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया हूँ और हमारा जो चीनी डाल दिया था ना वो भी मेल्ट हो गया है और जो दूध है ना उसके ऊपर मलाई भी नहीं जमा है। तो यहाँ पे देखिए कम कम कर मिल्क पाउडर डालना है, ज़्यादा करके डालेंगे तो गुटलियाँ बन जाएगा, लम्स बन जाएगा, तो कम कम करके डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा एक साथ। तो यहाँ पे देखिए कम कम करके डालना है, मैंने 3 बार में डाला। तो अभी देखिए मैंने सब डाल दिया हूँ, अभी मिक्स कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ईजी तरीके से मैंने शेयर किया हूँ आप लोगों के साथ और बहुत आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और बच्चे हैं ना, बच्चे को तो बहुत मतलब मीठा चीज़ तो बहुत पसंद आता है, जो बच्चा अगर मतलब मिठाई नहीं खाते हैं उसको भी ऐसे करके बना देंगे ना वो भी खाएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पे देखिए कितना ठीक हो गया है हमारा जो ये मिल्क पाउडर है और दूध है, तो यहाँ पे देखिए कितना ठीक हो गया है और थोड़ा सा ठीक करना है, ज़्यादा ठीक नहीं करना है। तो अगर न्यू फ्रेंड देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरा चम्मच है ना ये खुल गया था तो फिर मैंने लगा लिया हूँ। अगर न्यू फ्रेंड देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही अच्छा अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा आप लोगों को और न्यू न्यू रेसिपी शेयर करूँगी मैं। तो यहाँ पर देखिए हो गया है हमारा जो मिल्क पाउडर और दूध मिक्स करना हो गया है, अभी मिठाई बनाने के लिए रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक प्लेट ले लिया हूँ और प्लेट में घी लगा लिया हूँ, अभी देखिए जो हमारा मिल्क पाउडर और मिक्स बनाया था ये डाल दिया हूँ मिठाई का। तो अभी मैं इसको अच्छे से फैला रही हूँ प्लेट में, तो यहाँ पे गर्म है ना तो हाथ नहीं डाल सकती, तो यहाँ पे देखिए मैं हाथ से ट्राई कर रही थी, बहुत गर्म है, तो इसलिए मैं चम्मच से यहाँ पे देखिए चम्मच से मैं ये उसको एक साथ दबा रही हूँ, मतलब इसको बराबर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब दबाना हो गया, सेट हो गया है मिठाई। अभी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ पिस्ता काट के, तो आप चाहो तो पिस्ता भी डाल सकते हैं, अगर पिस्ता नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं पिस्ता बिना पिस्ता के भी, और काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, ऊपर थोड़ा दरदरा पीस के ऊपर डाल दीजिएगा। उसके बाद उसको हाथ चम्मच के मदद से उसको अच्छे से सेट कर दीजिएगा, तो अच्छे से वो मिठाई बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सेट करना हो गया है, तो अभी मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था और बाहर निकाला। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं निकाल के इसको काट रही हूँ। आप चाहो तो इसको नमकीन शेप में भी काट सकते हैं, बर्फी शेप में, स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, तो आपका जैसा मर्जी ऐसा काट सकते हैं, नमकीन शेप में, बर्फी शेप में और स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काट लिया हूँ, अभी मेरा बेटा को भी खाने दूँगी, उसको तो बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरा बेटा को ना बहुत अच्छा लगता है, सरफराज को इतना मिठाई पसंद है ना, मतलब उसको मिठाई तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बनाया हूँ, उसको खाने का भी मन कर रहा था और आपके साथ भी शेयर किया हूँ। उम्मीद है कि मेरा जो ये रेसिपी है आपको पसंद आएगा, पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।